मना बुलाने वाली है हमेशा ये हमेशा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उशाना बशाना चले मामले में आज भी वही है जहां आपने दिखाई दे रही है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की आवाम बिल्कुल परेशान बेहद और मुसीबत वतन की फिक्र ज्यादा मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के चर्च रहे हैं आसमानों में जाइनी को हमारे कार्य को धोखा दिया है बुझ पानी तरफ पानी खयात के तरफ पैसा दिन साथ दिन दिल चो अमी गहरा से मुबारकबाद पेश कर और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत से मजबूत ये ना सियासत सो बार मुश्किल से तीस पूर्व रात के शुरू से सुन ऐसे सारी रोक करा या सो बार से तेरी मन में ये चीज कराए के जो आज खुद हैरान हूँ इस बात पे कि अपनी सियासी जिंदगी मुझे भी अब सियासत में अब 20-25 साल हो गए मैंने सोपोर टाउन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा प्रोग्राम आज आपका एहसास पहले से ही था कि ये शायद इनकी बहन मसरत इनके एक साथी यहाँ पे बहुत ही मेहनत करने वाले हैं आज आंखों की बात हमारे सामने है कि वाकई इनकी मेहनत का जो फल है वो यहाँ पे खाए और मैं मान के चल रहा हूं पार्लियामेंट इलेक्शन में तो सोपोर से हमें लीड होगी ही होगी सितंबर में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो आपका यार और मेरा यार जाता है जनता वनता नहीं चलेगी कश्मीर हमारी माँ है जनता वनता नहीं चलेगी कश्मीर हमारी माँ है डिसयूनाइटेड थे ना इंडिया एयरलाइंस के हिस्सेदार हैं तो इसमें यूनाइट या रीयूनाइट का सवाल कहाँ पैदा होता है ना हम पहले भी थे आज भी हैं रहेंगे सर एक बार आप इस गलत फहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफसपा हटाने का ऐलान किया है होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को सिख शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको सिख शेड्यूल मिलेगा नहीं मिला हमारे साथ भी यही हाल होगा पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे अल्लाह ताला हमें पहले कामयाबी दे उसके बाद हम पार्लियामेंट में जो भी लोगों की बातें हमें करनी होंगी जो भी लोगों के जज्बात के वहाँ पे हमें तर्जुमानी करनी होगी आगे भी किया है फिर करेंगे Given your CBSE, state boards, ICSE, IB, or any other boards of grade 10th or 12th, I'm sure you must be having confusions around career selection. If you've chosen a career, is that career the right fit for you or not? Subject selection, how to balance your entrance examinations with board examinations, whether to give this entrance examination or not, and a lot more. Top Rankers is bringing Udaan, a seminar on careers in law, management, and humanities on the 31st of March in your cities, especially for concerned parents and students just like you. Register yourself right now by clicking on the link given below, while our keynote speaker will be waiting for you inside the seminar hall to address all your concerns and have a powerful discussion around your career.